लोग देख रहे हैं, पानी का एक लोगो है, इधर पानी लिखा है और नीचे लिखा है पानी। बाहर आता है इसका वाइजर, इसका वाइजर तो प्लेन व्हाइट नहीं है, इसका वाइजर है स्मोकी। इसमें डॉट सर्टिफाई भी है। वे आईएसओ डॉट सर्टिफाई आप लोगों को क्या है पता नहीं है तो उसको भी मैं बता देता हूँ। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ मेरा जो हेलमेट लिया था, हेलमेट का रिव्यू, क्योंकि मैं तो आप लोगों को हेलमेट का रिव्यू नहीं देखा था। मैं गया था जाके हेलमेट लेके आ गया था, वो मैं आप लोगों को हेलमेट का रिव्यू दिखाने वाला हूँ। तो ब्लॉग को लास्ट तक देखना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल में नया तो प्लीज सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना। मेरा हेलमेट में क्या खासियत है, क्या है, सब आप लोगों को इसी ब्लॉग में मिल जाएगा, तो ब्लॉग को लास्ट तक देखना। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल आता है इसका लुक पे। तो इसका लुक आप देख सकते हो कैसा कूल लुक है यार, देख के लगता है कि बहुत महंगा 5000 कुछ प्राइस है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इसका प्राइस तो बहुत कम है, मैं आप लोगों को लास्ट में बताऊंगा इसका प्राइस कितना है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। सो लुक फर्स्ट ऑफ ऑल आप लुक है सामने से देख सकते हो, सामने ये आप लोग देख सकते हो, पानी का एक लोगो है, इधर पानी लिखा है और नीचे लिखा है पानी बोल्ट और पीछे लिखा है वेगा। वेगा कंपनी का है और पानी बोल्ट इसका मॉडल नंबर है। तो ये इसका लुक तो मस्त लग रहा है यार, इसका लुक आप देख सकते हो कैसा है, तो थोड़ा कूल जैसा है ना। स्पॉयलर है, स्पॉयलर से आप ऊपर से हवा आएगा और नीचे से आउट होगा, जैसे इन इधर से आउट, और इसका नाम है यार डायनामिक वेंटिलेटर, और नीचे से आउट होगा, यहाँ से इन होगा। सो ये बहुत लोग बोलता है कि ये काम नहीं करता है, लेकिन मैं खरीदने के बाद 2 दिन यूज किया, लेकिन हवा तो मस्त है। जैसे आप स्पीड बढ़ा रहे हो ना, तो हवा ऐसे अंदर से मस्त आ रहा है और यहाँ से आउट भी हो रहा है। ठीक सामने है और एक वेंटिलेटर, आप यहाँ से आप ऐसे कभी भी बारिश में आप यूज कर रहे हो तो बारिश में ऐसे आपको स्मोक नहीं आएगा, यहाँ से आउट हो जाएगा, हवा भी यहाँ से इन होता है। बाहर आता है इसका वाइजर, इसका वाइजर तो प्लेन व्हाइट नहीं है, इसका वाइजर है स्मोकी। ये आप देख सकते हो स्मोकी वाइजर, बिकॉज आपका धूप में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि व्हाइट में धूप में प्रॉब्लम होता है, और नाइट में आपका ये पूरा ब्लैक ले लोगे तो नाइट में प्रॉब्लम होता है, नाइट में दिखने के लिए प्रॉब्लम होता है। तो स्मोकी में दोनों का सोल्यूशन स्मोकी में है, तो दोनों को मिक्स करके स्मोकी बनाया गया है। अंदर तो पैडिंग इतना सॉफ्ट है ना यार, इतना टाइट हो रहा था मुझे, मतलब मुझे डालने के लिए इतना टाइट हो रहा है, उसका पैडिंग इतना अच्छे से बैठ रहा है, उसके बाद मस्त लग रहा है राइड करने के लिए, बाइक चलाने के लिए। और ये जो लॉक देख सकते हो, ये जूना वाला लॉक है, तो महंगा वाला है, महंगा वाला 5000 से ऊपर है, उसमें आपका लॉक अलग है, और ये लॉक आप बचपन। और मेरा हेलमेट का साइज है एम साइज, ये आपको दिख रहा है क्या पता नहीं, अदर नीचे लिखा है एम साइज, और ये आप देख जब भी खरीदने जा रहे हो यहाँ पे देख लेना 58 सेमी। सो इसका है 58 सेंटीमीटर, सो इसका साइज है एम साइज, क्योंकि हम लोग जैसा कोई मोटे लोग, मतलब हम लोग जैसा पतले लोग के लिए एल साइज लोगे तो ऐसे हेलमेट डालोगे अंदर तो ऐसे हिलेगा, ओके बहुत लूज होगा, तो एम साइज डालोगे तो कुछ लूज वगैरह कुछ नहीं होगा। तो चलो अभी इसको पहन के आप लोगों को दिखाता हूँ। सो गाइस, पहनने का बाद देख सकते हो इसका लुक कुछ ऐसा है, ये देखो तो ये है इसका लुक, कैसा लग रहा है प्लीज नीचे कमेंट करके बताओ। सो इसका और एक खासियत है, आपको हर एक हेलमेट में मिल जाता है ये इंडियन का आईएसओ सर्टिफाई, हर हेलमेट में आप लोगों को पीछे ऐसा इतना बड़ा सा दिखने के लिए मिल जाएगा, सिर्फ आईएसओ सर्टिफाई, लेकिन इसमें डॉट सर्टिफाई भी है। वे आईएसओ डॉट सर्टिफाई आप लोगों को क्या है पता नहीं है तो उसको भी मैं बता देता हूँ। आईएसओ सर्टिफाइड मतलब आपको इंडिया में लीगल है, इंडिया में आप ये हेलमेट पहन के जाओगे, इंडियन में इसका परमिशन है, इसका परमिशन का ये लोगो है। और डॉट सर्टिफाई मतलब ये इंटरनेशनल परमिशन अलाउ है, मतलब आप किधर भी इंडिया से बाहर भी जा रहे हो ना इस हेलमेट को लेके, फिर भी आपको डन है, आपको इसमें कोई कुछ बोल नहीं सकता है, क्योंकि इसका डॉट सर्टिफाई इंटरनेशनल सर्टिफाई बोला जाता है। और कोई भी दूसरा हेलमेट लेके आप जाओगे, लेकिन यार वो हेलमेट में आपको इंटरनेशनल परमिशन नहीं देता है, सिर्फ भेगा में देता है। इसका और एक खासियत है यार, और इसका वेट कितना है बताया गया, 1350 ग्राम, मतलब
1350 ग्राम ओनली। ना इतना लाइट वेट है ना यार, और इसको ऐसे मारोगे, मैं नहीं मारूंगा यार, लेकिन इसका ऐसे मारोगे फिर भी नहीं कुछ नहीं होगा यार। इसका दो दो सर्टिफिकेट है इसके साथ। तो आप लोग ले रहे हो, कोई भी बिगिनर कोई भी राइड करना चाह रहे हो या राइडिंग करे बहुत ही इंटरेस्ट हो, सो आप लोग ये वाली हेलमेट आंख बंद करके ले सकते हो यार। सो फ्रेंड्स, दो दो हेलमेट देके घबरा मत यार, ये वाली है मेरा और ये वाली है शोहन का। मेरा मम्मी देख के बहुत अच्छा एक कमेंट किया, बताए क्या दोनों का सेम हेलमेट देख के, लेकिन वो बताऊंगा नहीं मैं। सो इसका प्राइस कितना पड़ा आप लोग को जो लास्ट में बोलूंगा मैं बोला था, इसका प्राइस कितना है? इसका प्राइस बहुत ही चीपेस्ट है, तो इसका प्राइस ऑनलाइन है 2000, लेकिन मुझे ये पड़ा 1580 रुपये। आप लोग कोई भी मेरा पिछले वाला ब्लॉग देखा है तो उसको शायद पॉज करके ब्लिंक करने के टाइम दिख रहा होगा, लेकिन नहीं दिख रहा है शायद, मुझे थोड़ा सा दिख रहा था, मैं कैमरा को दिखाया था, लेकिन इसका मुझे प्राइस पड़ा था 1580 कुछ, मतलब 1580 में। लेकिन आप ऑनलाइन जाओगे, ऑनलाइन में आपको पहली बात एम साइज नहीं मिलेगा, और कोई भी शॉप वाला रहता है ना, बहुत अच्छा शॉप वाला, बहुत अच्छे लोगों के पास जाओगे तो लोग क्या बोलते हैं पता है कि एम साइज नहीं मिलता है। अच्छे लोग मतलब समझ जाओ यार। सो वो लोग बोलते हैं कि एम साइज नहीं होता है, ऐसा बोल रहे हैं एम साइज नहीं होता है। एक बार हम लोग एक शॉप पे गए थे तो बोल रहे कि एम साइज नहीं होता है, एम साइज नहीं होता क्या? हम लोग बोले भाई कितना लोगे तुम, कितना चाहिए तुम्हें? बोल रहा है कि हाँ मेरे पास नहीं है, ऐसा बोला। सो एम साइज आप लोगों को जो भी, हम लोगों जैसे पतला सब क्यूट से चेहरा है, ओह माय गॉड, वाओ, जैसे पतला सब क्यूट से चेहरा है ना, तो एम साइज ही मस्त है। एल साइज भी लेना चाहते हो तो एल साइज बहुत ही लूज होता है यार, एल साइज से अच्छा है आप एम साइज भी ले लो, और ऑफलाइन ही ले लेना ऑफलाइन, बिकॉज आपको 20% कोई भी जाके बोलना कि मुझे 20% डिस्काउंट चाहिए, क्योंकि मेरा घर के बाजू में 2 किलोमीटर में तो एक शॉप है, बहुत अच्छा शॉप है, बहुत बड़ा शॉप बनाया, लेकिन उसका कितना परसेंट डिस्काउंट देता है मुझे पता है क्या? 12%। लेकिन मैं जहाँ गया था वो अंकल, आप लोगों को अंकल का तो फेस वगैरह दिखाया था, सो अंकल हम लोगों को बोला कि अब तुम्हारे लिए 20% डिस्काउंट दे दूंगा, मतलब आप लोग भी जाओगे तो 20% डिस्काउंट देगा, सब लोग ऐसे 20% डिस्काउंट देता है, लेकिन सब लोग बोलता है कि नहीं 20% डिस्काउंट नहीं होता है। लेकिन आप लोग और एक बात मैं बोला था कि कोई भी आप लोग इससे भी अच्छा ब्रांडेड SMK XOR का हेलमेट ले रहे हो तो उसका 22% डिस्काउंट देगा यार। सो हेलमेट तो मस्त है यार। दोस्त है तो पहन के उसके पास गया, तो वो क्या बोल रहा था बताया क्या, भाई हेलमेट कितना लिया? तो उसको मैं पूछा कि भाई तू बोल कितना लग रहा है, देख के बोले कि देख के तो 4000 कुछ लग रहा है, 4000 नहीं है, 1580 रुपए में मिला भाई, इतनी खुशी कहाँ मिलेगा यार, मुर्शिदाबाद में मिलेगा। तो भाई अभी तो शाम हो गया यार, वीडियो बनाते बनाते मतलब शाम होने का आजान वगैरह हो गया, शाम हो गया, अभी मैं कैसे वीडियो बना रहा हूँ वो देख लो यार थोड़ा। ये देखो देखो कैसे फ्लैश लगा के वीडियो बना रहा हूँ, बहुत इससे मेहनत कर रहा हूँ यार आप लोगों के लिए, सिर्फ आप लोगों के थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देने के लिए। ऑटोमेटिक लगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा, थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा, तो प्लीज यार एक लाइक करो, चैनल में नया तो सब्सक्राइब कर दो, और नोटिफिकेशन बेल को कौन ऑन करेगा यार, आप लोग के हाथ में है यार, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दो कि आने वाला ब्लॉग का नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर, बी सेफ, बहुत जल्द मिलते हैं। स्कूटर टिक करो सर, लीजिए जब स्कूटर टिक करो सर, लीजिए जब।